नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हेडशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे, अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप हो और उस लैपटॉप का जो पावर स्विच होता है, जो पावर स्विच का जो सर्किट होता है, उस सर्किट से लेकर मदरबोर्ड तक एक स्ट्रिप होता है, जो स्ट्रिप हमेशा बहुत बार ये खराब हो जाता है, जिसके वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि जैसे अभी ये मेरे पास एक लैपटॉप जो है, उस लैपटॉप को जो पावर स्विच का जो स्ट्रिप था, वो स्ट्रिप अगर ख़राब हो गया है तो हम उसे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चलो सब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो पावर स्विच है, इसके नीचे यहाँ पे एक सर्किट होता है जो पावर ऑन ऑफ, और यहाँ पे जो एलईडी होता है, उस एलईडी के लिए ये सर्किट यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप के लिए ये केबल होता है। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे एक सपोर्टिंग एक प्लास्टिक होता है जो यहाँ से निकल गया है। जैसे अभी नीचे की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रिप है, देखिए ये एक कॉन्टैक्ट स्ट्रिप होता है, और एक स्ट्रिप के साथ ये एक प्लास्टिक का इसके साथ एक सपोर्टिंग इसको यहाँ पे लगा हुआ था है, ताकि ये जो स्ट्रिप है ये इस कनेक्टर में जाके अच्छे से बैठे। ठीक है, तो वैसे ही ये जो स्ट्रिप है, ये देखो, अभी मैं अगर आपको मैं ये स्ट्रिप यहाँ पे लगा कर दिखाता हूँ, मैं चलो मैं यहाँ पे आपको लगा कर दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अब ये स्ट्रिप यहाँ पे, अभी ये कनेक्टर मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और जो बगल वाला जो इसका जो स्ट्रिप है, मैं इसको भी आपको लगा के दिखाता हूँ विथ जो सपोर्टिंग जो होता है ना, इसके साथ मैं आपको यहाँ पे लगा कर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अभी लग गया है। ठीक है, तो अभी मैं दोनों को निकालने की कोशिश करता हूँ ऐसे ही। चलो मैं इसको डायरेक्टली खींचने की, देखो यहाँ पे मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल निकल नहीं रहा, क्योंकि ये यहाँ पे इसको यहाँ पे ये सपोर्टिंग एक प्लास्टिक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको जो है निकालने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो ये तुरंत निकल गया, क्योंकि इसको यहाँ पे जो सपोर्टिंग के लिए जो प्लास्टिक होता है वो यहाँ से निकल गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ये लगा देते हो, अगर ये सपोर्टिंग जो प्लास्टिक है यहाँ पे नहीं लगाते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका लैपटॉप जो है कभी ऑन हो जाता है, कभी नहीं होता है, और मैक्सिमम एक तो आपका लैपटॉप ये शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छे से इसका जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो होते हैं, ये पॉइंट्स मदरबोर्ड पे जो कनेक्टर है उस कनेक्टर को अच्छे से कॉन्टैक्ट इसका नहीं होता है, तो इस कारणवश आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अभी आपको करना क्या है कि ये जो इसका जो प्लास्टिक है, ये आपको ऐसा यहाँ पे लगाना होगा, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप कहाँ से लाएंगे और इसे कैसे यहाँ पर फिट करेंगे। ठीक है, देखिए, आप अगर कोई भी डेस्कटॉप का जो रैम है, उस रैम को अगर आप खरीदते हो, तो आपको उसके साथ एक ऐसा इसको एक कवर मिलता है, इस तरह का आपको कवर मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो ऊपर वाला प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक आपको निकाल के रखना है। ठीक है, और निकाल कर इससे इसका जो नाप वाला, इससे इसका आप अच्छे से उसको नाप ले लो, और
यहाँ पे आपको ये लगा देना है। चलो फिर देखते हैं उसको कैसे कट करना है। ठीक है, देखिए तो ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक से मैंने ये एक छोटा सा जो एक टुकड़ा है इसे निकाल लिया है। ठीक है, और निकालने के बाद अभी उसका जो साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से मैं इसको ऐसे काट देता हूँ। ठीक है, और काटने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसा मुझे एक प्लास्टिक का ये जो आप देख रहे हो ये मैंने निकाल लिया है। तो अभी हम इसे स्ट्रिप में लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एक फेविक्विक जेल जो है ये मैंने ले लिया है इसको, क्योंकि हमें चिपकाना होगा इसलिए मैंने ये ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक देख सकते हो आप, ये प्लास्टिक के ऊपर मैं थोड़ा सा मैंने ये फेविक्विक यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, ये फेविक्विक जेल है इसको यूज करना है। फेविक्विक जो दूसरा जो आता है ना ऐसा वाला जो आता है इसको नहीं यूज करना है आपको। ठीक है, इसको 10 सेकेंड के लिए ये जो है 10 सेकेंड के लिए इसको लगाकर 10 सेकेंड के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा होता है। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हो इसको चिपका देना है अच्छे से। ठीक है, अभी इसको मैं इसके ऊपर जो है चिपका देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको अभी लगा दिया। और इसे अभी एक मिनट, 1-2 मिनट के लिए इसको रख देना है ऐसे। 2 मिनट के बाद ये अच्छे से चिपक जाएगा, इस ट्रिप के साथ वो अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक है, तो अभी ये अच्छे से चिपक गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको जो है एक बार इसके अंदर लगा के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये लगाने के बाद ये जो है काफ़ी अच्छे से चिपक गया है। मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूँ अभी लेकिन वो निकलता नहीं है, क्योंकि वो इस सपोर्टिंग प्लास्टिक की वजह से अच्छे से वो इसके अंदर जो है वो चिपक गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो पावर ऑन ऑफ स्विच का जो स्ट्रिप होता है वो स्ट्रिप कैसे चिपकाया जाता है। ठीक है, कैसे उस करेक्टर में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, ये आप खुद कर सकते हो। ये आपको जो प्लास्टिक होता है हार्ड प्लास्टिक, ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए और आपको यह किसी भी कंप्यूटर शॉप में आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जो हमारे नए आने वाले जो लेक्चर्स हैं, जो ट्यूटोरियल्स हैं, वो आपको आपके ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे। और बेल बटन पे
क्लिक करना ना भूलें, ठीक है? तो देखते रहिए हिटशॉट फिल्म्स। थैंक यू।